आप ये बताएं कि आप अक्सर खुश रहती हैं या उदास? लोगों के कामों को अपने ऊपर, या लोगों के जो मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, दुखी लोग होते हैं, उनको अपने ऊपर सवार कर लेती हूँ। लेकिन तबीयतन मेरी, मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम एक दूसरे को बस जॉली तबीयत के हैं तो खुश रहते हैं। यानी आप में सेंस ऑफ ह्यूमर है खासा, बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत बहुत ज़रूरी ज़्यादा। है एक अच्छी शादी से जिंदगी। पहले तो बहुत ही ज़्यादा थी, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं थे। और शादी के बाद कुछ थोड़ा सा मेच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को भी वही ट्रेनिंग देनी है अच्छी वाली। जी, बिल्कुल, तो क्यों नहीं। अच्छा, फुर्सत के औकात में क्या करती हैं? मैं टाइम ज़ाया नहीं करती, मेरी हॉबीज़ हैं ड्राइविंग और सबसे ज़्यादा कुकिंग। ये बताइए कि मौसीकी सुनती हैं? मौसीकी बहुत ज़्यादा, म्यूजिक तो रूह की गजा है। किस किस्म की मौसीकी पसंद है? सदाबहार। अच्छा, सदाबहार, फिर तो यकीनन आपको हमारा चैनल भी पसंद होगा, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सी क्लासिक और पुरानी फिल्में दिखाई जाती हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपनी किसी फेवरेट फिल्म से कोई फेवरेट गाना देखना पसंद करेंगी, तो हम आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? मैं ज़रूर करूंगी, लेकिन इस चैनल का मैं एक लिहाज से ऑन बिहाफ ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लोग हैं, कि आपने जो गाने, जो खूबसूरत लम्हात जो छुप गए थे डस्ट के पीछे, वक्त के दौर के अदवार के पीछे, वो आपने इतनी खूबसूरती से बिल्कुल न्यू प्रिंट के साथ उजागर किए हैं, ये काम कोई और चैनल नहीं कर सका। और लोग इस वजह से इस चैनल से हटते भी नहीं हैं। सो पुराने गानों में या सदाबहार गानों में मैं बाज़ुकात बड़ा इंजॉय करती हूँ जब अकेली ड्राइव करती हूँ। अगर आपको वज़ीर आज़म बनने का मौका मिले तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगी? फौरन रिफ्यूज़ कर दूंगी। जी, क्या जी, कह रही हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म के ओहदे तक जो पहुँचता है ना, तो दो तीन बातें होती हैं, या तो वो फांसी लगता है, या मुल्क बदर होता है, या किसी की गोली का निशाना होता है। लेकिन आप तो इतनी बहादुर खातून हैं, फिर आप ये बात कह रही हैं? हाँ, ये ओहदा मेरे लायक नहीं है। आप मौलवियों से तो नहीं डर रही? नहीं, उनका अपना मजहब, बाज जगहों पर क्योंकि मैंने, वो औरत बाज के जगहों पर वजीर उनका आजम। अपना मजहब मैंने मजबूत नहीं पाया। वो क्या बोले हैं, नहीं नहीं बोले बोले कुछ आज, कहीं कुछ कहीं कुछ, आज बोलने की आजादी है। नहीं, बाज जगहों पर उन्होंने बहुत कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, और अगले दिन वो वैसे ही पाए। सो कुछ लोगों के असूलों से, नजरियात से, या कुछ उन चीज़ों को सामने, नाम लेना इस्लाम का और काम करने ज़ाती मफाद के, मेरा इशारा किसी भी खास पे नहीं है, लेकिन जो गलत है उसको अपने गिरेबान में अच्छी तरह पता होगा, उस पे मुझे इख्तलाफ है। सो वो पहले अपना मज़हब तो मजबूत कर लें। अगर इस्लाम यही कहता है कि आपने इक्तदार लेना है और शोर मचाना है, ब्लैकमेल करना है, तो वो मज़हब नहीं है।